एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के साथ एक रिव्यू वीडियो शेयर करूंगी। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है एक हेयर स्ट्रेटनर। तो इस प्रोडक्ट का आज हम रिव्यू करेंगे, हेवल्स का हेयर स्ट्रेटनर। ये मैंने 2-3 महीने पहले फ्लिपकार्ट से परचेज किया था एंड जो इसका कोड है वो है HS4121। ये हेवल्स का हेयर स्ट्रेटनर है। इसमें पहले हम देख लेते हैं इसकी लुक। ओके गाइस, दिस इज़ द स्ट्रेटनर फ्रॉम हेवल्स एंड इसकी जो आउटर पैकेजिंग है बहुत स्टडी है एंड ये मैट फिनिश में मिला है। इसके अंदर हमें यहाँ पे 3 बटन्स मिल रहे हैं, एक सेंटर वाला ऑन ऑफ के लिए एंड देन लेफ्ट साइड हमें टेम्परेचर कम करने का बटन दिया हुआ है एंड राइट साइड टेम्परेचर इंक्रीज करने का। ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्ट्रेटनर में जब तक टेम्परेचर सेट करने का बटन नहीं होगा तब तक वो स्ट्रेटनर हमारा अच्छा भी नहीं होगा और बालों को भी डैमेज करेगा। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे बाल कम हीट सहन कर सकते हैं। अगर इसकी कॉर्ड की बात करें तो ये 360 डिग्री रोटेटेबल कॉर्ड है, कॉर्ड वायर, एंड इसकी वायर जो है वो बहुत मतलब अच्छी खासी लंबी है, 1.5 मीटर ऑलमोस्ट इसकी वायर है। तो अब हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं ये कैसा वर्क करता है। मैंने इसको यूज़ किया है 2-3 महीने कम से कम, मतलब 4-5 टाइम्स मैंने इसको यूज़ किया है एंड पर्सनली आई रियली लाइक इट। अभी हम इसको देखते हैं कि ये कैसा स्ट्रेट करता है एंड देन इसी सेम स्ट्रेटनर से मैं एक और लुक अभी ट्राई करूँगी इसी वीडियो में, तो उसके लिए आप आगे तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड गाइज, वैसे तो मेरे हेयर बाकी स्मूथ है, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, कि मैंने ना थोड़े टाइम पहले स्मूथनिंग कराई थी तो मुझे उतनी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग की बालों को ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट फिर भी थोड़ा बहुत सेट करने के लिए ना समटाइम्स होते हैं, बाल फ्रिजी से लगते हैं, तो सेट करने के लिए मैंने हेयर स्ट्रेटनर परचेज़ किया था। बाकी देखते हैं कैसा वर्क करता है। तो मैंने ये प्लग ऑन कर दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑफ़ का बटन आ रहा है, सॉरी ऑफ डिस्प्ले में शो कर रहा है। एंड अगर हम इसको यहाँ से हाँ सेंटर का अगर बटन ऑन करते हैं, अभी ये ऑन हो गया है एंड यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे देन ये ओपन हो जाएगा। एंड ये बहुत जल्दी हीट होता है, 10-15 सेकेंड में हीट हो जाता है एंड ये इसकी टेम्परेचर सेटिंग्स है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग हाई एंड लो कर सकते हैं। ओके, तो मैं जिस टेम्परेचर पे अपने बाल स्ट्रेट करना प्रेफर करती हूँ विच इज़ 150 डिग्री, बिकॉज़ मेरे बालों को उतनी स्ट्रेटनिंग की नीड है नहीं, बट स्टिल। तो सबसे पहले हम अपने हेयर को पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे। लाइक दिस, एंड बालों को डीटेंगल करना है सबसे पहले, वो बहुत ज़रूरी है, वरना आपके बाल स्ट्रेटनर में बहुत फंसेंगे और बहुत ज़्यादा आपके बाल टूटेंगे भी और अच्छे से स्ट्रेटनिंग लुक होगी भी नहीं आपकी। ओके, तो हम यहाँ से अपने हाफ पोर्शन के बाल लेकर सबसे पहले उनको टक कर लेंगे, क्लेचर की हेल्प से उनको सिक्योर कर दूँगी। देन छोटे छोटे पार्टीशंस लेकर हम अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेटनर हमारा हीट हो चुका है लाइक दिस। एंड गाइज, वन मोर थिंग, हमें स्कैल्प के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, अदरवाइज हमारे बाल भी डैमेज होंगे और हेयर फॉल भी हमारा बढ़ जाएगा। इसको मैंने अपने हेयर्स पे 2-3 टाइम्स अप्लाई कर रही हूँ मैं लाइक दिस एंड आप मेरे बालों में स्ट्रेट एंड शाइन लुक देख सकते हैं।
ओके गाइस, देन मैं आप मिलती हूँ अपने पूरे बालों को स्ट्रेट के गाइस। तो आप देख सकते हैं मेरे बालों को इस स्ट्रेटनर ने कितना ब्यूटीफुली स्ट्रेट किया है एंड बालों में शाइन भी ऐड हुई है, यू कैन सी। एंड अगर हम इस स्ट्रेटनर की बात करें, सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्राइस। कि हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो हमारी पॉकेट को अलाउड कर रहा है उसका प्राइस की नहीं। एंड जो इसका MRP है वो विच इज़ 2145 एंड मुझे ये सेल में आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक 1100 या 1000 समथिंग के मुझे मिल गया था। देन बहुत ही अच्छी डील है। अगर आपको भी ये स्ट्रेटनर मतलब 1200-1300 अप्रोक्स मिलता है देन डेफिनेटली इस स्ट्रेटनर को आप बाय कर सकते हैं गाइज। इस स्ट्रेटनर को मैं अपनी साइड से 10 out of 10 दूंगी बिकॉज ये स्ट्रेटनर मतलब इस प्राइस में मैंने इतने सारे स्ट्रेटनर्स ट्राई किए थे, वेगा वगैरह के भी मैंने सर्च किए थे, किसी भी स्ट्रेटनर में हमें टेम्परेचर सेटिंग्स नहीं मिलती है। आई थिंक जितना मैंने सर्च किया है टेम्परेचर सेटिंग सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्ट्रेटनर देता है। एंड सबसे बड़ी जो चीज़ है इस स्ट्रेटनर में वो है कि ये देखो इसके जो प्लेट्स है, एक तो सेरेमिक कोटिंग से बने हुए प्लेट्स हैं एंड बहुत वाइड मतलब वाइडली प्लेट्स दिए हुए हैं। बाकी जो इस प्राइस में स्ट्रेटनर्स मिलते हैं उनके क्या है, प्लेट्स काफ़ी पतले होते हैं और टेम्परेचर सेटिंग्स भी हमें नहीं मिलती है। इसके अंदर हमें टेम्परेचर सेटिंग भी मिल रही है एंड प्लेट्स भी काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, तो मतलब आप ज़्यादा बड़ा बड़ा सेक्शन लेकर भी अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड अब हम देखेंगे हम इस फ्लैट स्ट्रेटनर से अपने बालों को एक कर्ली या वेवी लुक कह सकते हैं आप, वो हम कैसे दे सकते हैं। ओके, देन सबसे पहले हमने अगेन टेम्परेचर सेटिंग कर लेनी है, ज़्यादा डैमेज हमने अपने बालों को करना नहीं है। मैंने 170 पे रखा है बिकॉज थोड़े स्ट्रॉन्ग कर्ल्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले जैसे मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ, हमने बालों को ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में लेना है लाइक दिस। देन हमें अपने बालों को इस तरह से अंदर की साइड से इंसर्ट करना है लाइक दिस एंड देन हमें इस तरह से प्लीट्स को बंद कर देना है और धीरे धीरे हमें स्लोली मूव करते हुए बालों को ज़्यादा खींचना नहीं है और इसके अंदर हमें छोड़ना भी नहीं है। धीरे धीरे हमें स्लोली खींचते हुए बालों को स्ट्रेटनर के अंदर से बाहर निकालना है। एंड गाइस वाओ, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली कर्ल किया है स्ट्रेटनर ने। अभी हम बाकी के बालों को भी स्ट्रेट कर लेंगे, सॉरी कर्ल कर लेंगे। तो अगेन हमें एक छोटा स्ट्रैंड लेना है अंदर की साइड से, स्ट्रेटनर को ऐसे करके मतलब अंदर की साइड से इंसर्ट करके अगेन अंदर बालों को फंसाना है एंड स्ट्रेटनर बंद करके थोड़ा सा यहाँ पे हमें हल्के हाथों से प्रेस करके नीचे डाउन होते हुए मूव करना है लाइक दिस, बहुत स्लोली लाइटली हैंड से, अदरवाइज हमारे बाल इसमें फंस जाएंगे एंड दैट्स इट। आप देख ही सकते हो मतलब आप सॉर्टेड हो उस स्ट्रेटनर को लेने के बाद। अगेन स्ट्रैंड लिया मैंने, देखो इसमें भी थोड़ा सा हैवी स्ट्रैंड लिया है, अंदर की तरफ इंसर्ट किया एंड देन प्रेस किया अगेन सेम एंड स्लोली नीचे की साइड मूव करते जाएंगे लाइक दिस। ओके, देन हम बाकी के लास्ट हेयर को भी लाइक दिस इंसर्ट किया, प्रेस किया अगेन मूव करते जाएंगे नीचे की साइड स्लोली ओके गाइस, देन हेयर इज माई फाइनल फिनिश कंप्लीट लुक। आप देख सकते हो कि एक फ्लैट हेयर स्ट्रेटनर ने भी मेरे बालों को कितना ब्यूटीफुली कर्ल किया है एंड आई तो जस्ट लव्ड इट। अगर आप भी ये स्ट्रेटनर परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एनी आपको अमेजोन एंड नाइका एंड फ्लिपकार्ट तीनों ही वेबसाइट पे, और भी आप डायरेक्ट हेवल की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। मैं आपको सभी जगह के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी।
एंड डेफिनेटली गाइज यू शुड बाय दिस हेयर स्ट्रेटनर।